इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के अहम सुर्खियां, होम क्वारंटाइन की तादाद घटी, कॉरपोरेशन महकमा का दावा, हालत काबू में, 24 घंटे में 1500 के करीब मरीज कोरोना से बरी। कर्नाटक में सियासी उथल पुथल होने के आसरात, येडियुरप्पा को गद्दी से उतारने की कोशिश जोरों पर, क्या कर्नाटक में हुकूमत गिर सकती है? पुलिस की जानिब से फैक्ट्रियों को जाने वाले मुलाजमीन को भेजा वापिस, पुलिस के इस रवैये से फैक्ट्री मुलाजमीन नाराज। बेलगाम में फिर किसान एहतजाज, किसानों के काले कानूनों के खिलाफ एहतजाज के 6 महीने हुए मुकम्मिल। विम्स के मुलाजमीन ने कहा कि तनख्वाह नहीं, मरीज ऑक्सीजन के बगैर तो हम भूख से मरेंगे। आज फिर बिना मास्क वाले 300 अफरादों पर कार्रवाई। हिंडलगा जेल से उम्र कैद की सजा काटने वाले 21 कैदियों की रिहाई। 2 दिन शनिचर शाम से पीर सुबह तक एटीएम और बैंक बंद रहेंगे। निजी अस्पतालों में इलाज की कीमत तय की जाए, बेतहाशा बिल से आवाम परेशान, हुकूमत गाफिल। पीपी किट पहनकर अस्पताल में दाखिल रमेश जारकिहोली का उड़ाया डीके शिवकुमार ने मजाक, कहा ऐसा कहीं पर देखा है कि कोई पीपी किट पहनकर अस्पतालों में दाखिल हुआ हो? लॉकडाउन कानून की खिलाफ वर्जी, 250 सवारियां जब्त। अब अहम मौजू, आज कोरोना से हटकर कुछ सियासत की बातें करते हैं कि सियासत पर क्या कर्नाटक हुकूमत करवट ले रही है। कहने का मतलब, सियासी सरगर्मियां क्या इख्तदार पर बैठे महज येडियुरप्पा को हटाएंगे या आने वाले दिनों में हुकूमत ही पलट जाएगी? लिहाजा मुख्तलिफ जराए से बातें और इतरात हासिल हो रही हैं कि येडियुरप्पा को अगर वजीर आला की कुर्सी से बेदखल किया गया तो शायद हुकूमत गिर भी सकती है। दूसरी तरफ रमेश जारकिहोली के कारनामों ने भी सियासी उथल पुथल मचाई थी। खैर, कोरोना के कहर में शायद यह चर्चा थम गई थी, पर जिन्हें सियासी सरगर्मियों में कोरोना से ज्यादा दिलचस्पी है उनकी नजर आज भी रमेश जारकिहोली की हरकतों पर है। पिछले हफ्ते वैसे भी फिर एक बार रमेश जारकिहोली सीडी मामला मंजरेआम पर आया था, जिसमें कहा गया कि सीडी में जो शख्स मौजूद है वो खुद रमेश जारकिहोली होने की कबूली खुद रमेश जारकिहोली ने ही दी। जबकि हम सभी जानते हैं कि पहले तो हम शक्ल कहा गया, फिर तस्वीर को एडिटिंग की बात कही गई थी, और अब खुद ही होने की तस्दीक करने की बात कही जा रही है। अब यह अपना बयान भी बार बार बदलना किसी और तब्दीली की तरफ इशारा तो नहीं? ऐसे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। वहीं पहले से ही येडियुरप्पा के पीछे भाजपा के ही और खासकर आरएसएस विचारधारा के लोग पड़े हुए थे। इन्हें येडियुरप्पा की नर्म हिंदुत्व की तस्वीर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब फिर से हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी में भाजपा है। वैसे भी भाजपा की गिरती साख को कैसे बचाया जाए, और मोदी की तस्वीर जो दुनिया भर में दागदार तो हुई है पर भारत में जिस कदर खास, मोदी भक्त भी इसके मुखालिफ हुए हैं, तो इन्हें अब सिवाय धर्म का कार्ड खेलने के दूसरा रास्ता नहीं है। तो कर्नाटक में येडियुरप्पा उसके लिए फिट नजर नहीं आते। तभी तो बीजापुर के अतनाल पाटिल हो या अनंत कुमार हेगड़े या फिर हमेशा मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी से सुर्खियां बटोरने वाले तेजस्वी सूर्या, इन्हें नर्म मिजाज येडियुरप्पा रुकावट महसूस हो रही, क्योंकि पूरे मुल्क में भाजपा की दागदार तस्वीर जो कोरोना में हुई है नाराजगी शिद्दत पर है। अदालत भी अब मरकजी हुकूमत को फटकार लगा रही है, तो मीडिया भी अब गोदी मीडिया की इमेज से हटकर सवाल पूछ रहे। अवाम लॉकडाउन से तंग आ चुके हैं, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। वही मरीजों के मौतों ने मोदी की तस्वीर को ही दागदार ही नहीं बल्कि अब खलनायक के रूप में पेश किया जाने लगा है। टूलकिट का मामला हो या फिर सोशल मीडिया का मामला हो, जिस तरह मरकजी हुकूमत ने अपनी पकड़ बना ली थी और डर खौफ के जरिए मनमानी फैसले लिए जा रहे थे, तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। वैसे भी बिहार चुनाव में ही इशारा मिल चुका था, पर बंगाल ने सभी शको शुबात को दूर कर दिया। दीदी वो दीदी जैसे नारों ने और भी मोदी की इमेज को पस्त कर दिया। ममता बनर्जी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि बंगाल में भाजपा और संघियों को भागने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम नफरत की दीवार को जिस तरह मोदी और संघी भाजपाइयों ने खड़ा किया था, कोरोना के दौर में दूरियां मिटती दिखाई दी। मुस्लिम नौजवानों ने कई हिंदुओं की चिताओं का अंतिम संस्कार किया। जाहिर है कर्नाटक में भी इस खतरे को महसूस किया जा रहा है। यूपी बिहार में पंचायत चुनाव में भाजपा को तगड़ी शिकस्त मिली है। खुफिया जानकारी से यह भी कहा जा रहा है कि
चुनाव से पहले फिर हिंदू मुस्लिम तनाजे को बढ़ाया जा सकता है, पर क्या अब यह फार्मूला कामयाब होगा या कुछ काम आएगा या नहीं, क्योंकि बंगाल में मजहबी तशद्दुद के एजेंडे को बंगाल की आवाम ने भीख नहीं डाली, लिहाजा दिगर रियासतों पर भी इसका असर हो सकता है। भाजपा में अब तब्दीली जारी हो चुकी है, येडियुरप्पा को वजीर आला की कुर्सी से हटा कर किसे बिठाया जाएगा यह भी सवाल है। रमेश जारकीहोली शायद फिर से कांग्रेस का रुख करे कह नहीं सकते, वैसे भी तो हुकूमतों को गिराने बनाने में तो ये माहिर ही एक कहा जाता है। इतना तो जरूर है कि सीढ़ी मामले के बाद रियासत की हुकूमत करवट जरूर ले रही है। सवाल यह भी उठता है कि क्या भाजपा हुकूमत और दो साल चलेगी भी या नहीं, क्योंकि अगर येडियुरप्पा को हटाया जाता है तो येडियुरप्पा के हिमायती भी नाराज हो सकते हैं। अक्सर हुकूमतें कुछ नाराजगी और शिकवे शिकायत के बाद ही गिरती है। अब देखना यह है कि रियासत में भाजपा का जवाल होगा या नहीं। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बता देगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।